गुरु गौरक तो मैं कीर्तन कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्णा के आशीर्वाद दे रहे गौरांग को। और आपने अपने पुत्र का नाम रखा गोपाल, लेकिन गोपाल जी आपसे भी आगे चले गए। आपने उनका नाम रखा गोपाल, लेकिन गोपाल जी ने उसका नाम दोनों राधा कृष्ण का दोनों मिलके नाम है गौरांग। तो ये अच्छा परंपरा है कि माता पिता को संतान का नाम भगवान के नाम से देना चाहिए, लेकिन पुत्र तो और भी अच्छा नाम देता। तो काश सब माता पिता पूरे पृथ्वी में गोपाल जी जैसे बुद्धिमान होते, अपने संतानों को भगवान का नाम देते तो पूरा संसार ही भगवान के नामों से भर जाता, वैकुंठ हो जाता। तो अभी हम थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा कथा करेंगे, आज का प्रोग्राम छोटा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनायास ही मिल जाता बिना साधन भजन किए हुए। वो माला भी नहीं फिर करता है या कीर्तन कुछ भी ना करे तो भी ये गौरांग के नाम में शक्ति है, राधा कृष्ण उसके बाद निकट में आ जाते, प्राप्य से निश्चित। तो अभी कोई डाउट नहीं है कि सब पूरे फैमिली को राधा कृष्ण मिलने वाले हैं। फोन करेंगे तो ये गौरांग कैसा है, और उसका कोई छोटा नाम मत बनाइएगा, गौरांग का और भी छोटा कुछ कर देते हैं। गोलू या क्या गो, तो भगवान के नाम बोलने का फायदा नहीं मिलेगा। हाँ गौरांग का एक छोटा गौर तक जा सकते हैं, उससे गौर तो भगवान का नाम, लेकिन उससे छोटा मत कीजिए। और गौरांग का दूसरा अर्थ है कि सोना, तप्त सोना जैसी कांति।
तो अभी गोपाल जी के पूरे घर में गौरांग का प्रकाश चल जाएगा, सोने की कांति, अब इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट की कोई जरूरत नहीं, गौरांग। तो इसलिए एक सही कदम हम जीवन में उठाते हैं, कितने लोगों को फायदा होता है। भगवान का नाम नित्यानंद मंत्र शक्ति, नित्यानंद मंत्र शक्ति, गौरांग गौर गोपाल, गौरांग गौर गोपाल, हरे कृष्ण महामंत्रे, हरे कृष्ण महामंत्रे, सर्व जीव उद्धारक, सर्वजीव उद्धार, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्लोक कहते हैं तो क्या होता है कि कोई भी सत्संग होता है उसमें सब संत आके बैठ जाते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच, हमारे परंपरा के सब आचार्य गुरुवर्ग सब ऋषि मुनि आ जाते हैं, हम उनको बुलाते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश्च, तो सब लोग आज आ जाएंगे गौरांग को आशीर्वाद देने। तो जिस घर में भी भगवान का कीर्तन होता है वहाँ उत्सुकता से भगवान के भक्त आ जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। कई कई घरों में तो सत्संग होता है ना, वो गुरुजियों के लिए अलग से 3-4 कुर्सी रखते हैं कि हमको नहीं दिखता है, लेकिन सब गुरु परंपरा के गुरुजी आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश्च, कि आप कल्प वृक्ष के समान हो, आप हमारी सब इच्छाओं को पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। माता जी बता रही थी गौरांग अभी तक खुद का नाम समझ नहीं रहा है, इसलिए इतना धीमे बोलने से नहीं चलेगा, थोड़ा जोर से बोली गौरांग के कानों में जाएगा, भगवान को थोड़ा और जोर से बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कानों से जब भगवान का नाम अंदर जाता है तो कान से जाके हमारे हृदय में जाता है और हृदय में जाके भगवान का नाम अमृत की बौछार शुरू करता है। अमृत का बौछार हमारी आत्मा को ठंडा बनाता है। ये मुंबई ऐसे शहर में रह के हमारा हृदय बहुत गर्म, जैसे राजस्थान का रण प्रदेश होता है ना, वैसा हमारा हृदय हो जाता है। तो भगवान के नाम को कान में जाने से एक अमृत की बौछार होती है और फिर वो अमृत की बौछार से हमारे जीवन सुखी बन जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख है वो भगवान का नाम हमें दे सकता है और कुछ वस्तु की जरूरत नहीं। लोग सुख के लिए कितना प्रयत्न करते हैं लेकिन वो जानते नहीं सुख उनको फ्री में मिल सकता है। खाली भगवान का नाम सुनने से, भगवान का नाम लेने से, लेकिन सोचते हैं अरे फ्री में है कैसे होगा, ये काम करेगा कि नहीं। फ्री में है, आजकल फ्री में है उसका कोई वैल्यू नहीं। तो लेकिन हमको दूसरों को बताना चाहिए। जी गोपाल जी ने गौरांग का नाम दिया है उसके नर्सरी में, स्कूल में, कॉलेज में, रजिस्टर में, सर्टिफिकेट में, सब कितने लोग गौरांग गौरांग लिखेंगे, कितने लोग भगवान का नाम। और ऐसा बताया गया वेदों में कि गौरांग निताई जे बोले एक बार अनंत कर्म दोष अंत वतार। एक बार भी कोई गौरांग और निताई बोल दिया अनंत जन्मों के अनंत पाप, बचपन में किया हुआ पाप, बुढ़ापे में किया हुआ पाप, जवानी में किया हुआ पाप, स्वप्न में किया हुआ पाप, अनजाने में किया हुआ पाप, सब पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार जो गौरांग में बोलता है। कितना फायदा है। क्या है संसार के लोग ऐसे नहीं लेते हैं तो इस तरह से तो बुलवाएंगे हमको अपने बालक का नाम लेके। तो ये सबसे बड़ा सेवा है संसार का, अपने बालक का नाम भगवान का नाम पे रखना, वो सारे संसार का एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा हम करा रहे हैं। तो इसलिए आपको पता है ना, मैंने बताया था पिछली बार कि वो क्या नाम था उसका, अजामिल, अजामिल नाम का भक्त था। उसने अपने पुत्र का नाम, 10वें पुत्र का नाम क्या रख दिया, नारायण। नारायण नारायण नारायण, इधर आओ नारायण, बैठ जाओ नारायण, खाना खाएंगे नारायण, चलो बाहर जाएंगे नारायण, मेरे साथ में रहो। वो 88 साल का हो गया, 88 ईयर्स उसका, तो भी वो नारायण को साथ में रखता, लेकिन नारायण उसका सबसे छोटा बच्चा था। और एंड में जब उसको, उसने पाप किया था बीच में, क्योंकि वो अपनी वो वेश्या को घर में लेके आ गया था पत्नी को छोड़, तो जब अंतिम समय में समय आया था उसको किसने बचाया, उसके बालक ने बचाया, क्योंकि उसके बालक का नाम था नारायण। तो अंत में वो बोल रहा है नारायण नारायण। तो बालक का नाम, भगवान का नाम रखने से हम बड़े बड़े भय से बच जाते हैं, बड़े बड़े दुख से बच जाते हैं। आप न संस्कृति घोराम यह नाम विवशो कृण ततो सत्य विवक्षित यद विभेति स्वयं भयम्। स्वयं भय भी डरता है भगवान के नाम से। इस संसार में सब लोग डर रहे हैं लेकिन जो भय है वो भी भगवान के नाम से डरता है। इसलिए कौन संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने संतानों का नाम भगवान के नाम पे नहीं रखेगा। जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं रखेगा, जो अज्ञान में है। और ऐसा नहीं कि भगवान के नाम में वैरायटी नहीं है, कितना वैरायटी है, कितना भगवान का नाम है, आप कोई भी चुन सकते हैं। गौरांग है, नीमा है, गौरांग का दूसरा नाम है नीमाई, नीमाई ये भी और भी बहुत अच्छा मीठा नाम है नीमाई, नीमाई, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे भगवान का जन्म हुआ। कलयुग भगवान ने बोला कि मैं, मेरा नाम दवाई जैसा है, क्योंकि नीम है वो दवाई है ना, औषधि है। भगवान ने बोला कलयुग में मेरा नाम दवाई का काम करता है, इसलिए मेरा नाम है नीमाई। दूसरा उनका नाम है गौर, गौरचंद्र, गौर हरी, गौरांग का दूसरा नाम है गौर हरी,
हरि मतलब कृष्ण और गौर मतलब राधा। एक्चुअली गौरांग में ग आता है गोविंद से और र आता है राधा से, गौरांग गौरांग राधा और कृष्ण दोनों का सम्मिलित स्वरूप। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है ये नाम। तो बहुत वैरायटी है भगवान के नाम में, कोई भी नाम आप रख सकते हैं भगवान का, लेकिन भगवान का जो नाम भगवान की लीला के साथ कनेक्शन है वो नाम भगवान के मेन नाम बताएंगे। और जो नाम भगवान के भौतिक संसार में जो सृष्टि का सृजन पोषण और संहार इसके साथ कनेक्शन है वो भगवान के सेकेंडरी नेम है, गौण नाम है। जैसे ब्रह्म है, परमात्मा है, सृष्टि करता है, जगत करता है, ये सब भगवान के नाम है, वो सेकेंड गौण नाम है। लेकिन भगवान के जो नाम जो भगवान की गोलोक में लीला के साथ कनेक्शन में है वो भगवान के प्रमुख नाम है। गौरांग है, नित्यानंद है, गोपी जन वल्लभ है, गोपाल है, गोविंद है, श्याम सुंदर है, ये सब नाम भगवान के। सची नंदन है, यशोदा नंदन है, जो भी भगवान के कनेक्शन में लीलाओं के साथ भगवान के भक्तों के साथ कनेक्शन है, विशेष करके वो नाम जो भगवान के भक्तों के साथ में करें, जैसे यशोदा नंदन, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे भक्त का भी याद कर रहे हैं, मेरे साथ में यशोदा को भी याद करें, यशोदा नंदन। तो उसी प्रकार गौरांग भी राधा के साथ कनेक्टेड है, राधा जी का भाव लेते हैं तब, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि हम गौरांग बोलते हैं तो भगवान को राधा जी को याद आता है, राधा का स्मरण करते हैं। तो इसीलिए ये भगवान के प्रमुख नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो इस संसार में हमेशा जिसको रहना है वो भगवान के गौण नामों का कीर्तन करेगा, जिसको गोलोक धाम में जाना है वो भगवान के प्रमुख नामों का कीर्तन करेगा। उस प्रकार से ये दोनों भगवान के नाम है। और राधा, राधा जी का नाम भी बहुत ही शक्तिशाली है। जब कोई रा बोलता है तो भगवान अपना काम धाम छोड़ देते हैं, अपना लीला भी छोड़ देते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति रा बोलेगा ना, भगवान बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और फिर वो अगर उसका भाग्य होगा तो साथ में धा भी बोल, खाली रा बोल के अटक जाएगा तो उतना ही फल मिलेगा, लेकिन उसके साथ में राधा धा बोल देगा तो भगवान दौड़ते हैं उसके पीछे। धा मतलब क्या, धाव या मानव, संस्कृत में बोलते हैं धाव या मानव से धा आता है, भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। अब कृष्ण 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 बोलेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन राधा कृष्ण राधा गौरांग रा धा कृष और ण, ये चार अक्षर होते हैं राधा, ह रे कृष और ण, चार अक्षर। वैसे गौरांग भी गौ र अ और अंग, ये चार अक्षर है, सेम राधा कृष्ण और गौरांग, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो जो भी दूसरा अर्थ है राधा का, कि जब भगवान अकेले थे, पहले तो सृष्टि की शुरुआत में कोई नहीं था, हम सब भी नहीं थे, भगवान कृष्ण केवल अकेले थे। तो भगवान ने सोचा कि मुझे रास लीला करने की इच्छा है, भगवान मेरी लीला करना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपने शरीर में से राधा को प्रकट किया, भगवान की लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति है। और जब राधा को प्रकट किया भगवान ने, तो राधा तुरंत ही दौड़ने लगी, इसलिए वो क्या धा हो गया। और किसके लिए दौड़ने लगी, रा मतलब रास लीला, रास लीला का आयोजन करने के लिए राधा दौड़ने लगी, इसलिए उसका नाम हो गया राधा। क्योंकि वो जानती है भगवान की इच्छा थी रास लीला करने के लिए, तो वो राधा का दूसरा अर्थ है। और राधा का तीसरा अर्थ भी एक है, कौन जानता है, भागवत में बताया है, श्रीमद भागवत के दशम स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में ये बताया है कि अनयाराधितो नूनं भगवान हरि ईश्वरः यन्नो विहाय गोविंद अनयतः, कि वृंदावन में पूरे ब्रज में एक ऐसी गोपी है जिसने भगवान का मन पूरा हरण कर लिया है और किसी ने नहीं किया।
अभी रासलीला में करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन अगर राधा सेंटर में नहीं रहेगी तो भगवान भी रासलीला को छोड़ देते, भगवान भी नहीं रहते। तो करोड़ों करोड़ों गोपियों में से भी भगवान के 16108 गोपियां मेन है, 16000 में से 1008 मेन है, 1008 में से 8 108 गोपियां मेन है, 108 में से भगवान की अष्ट सखियां मेन है, और उसमें से भी दो गोपियां मेन है, राधा और चंद्रावली, और उसमें से भी एक गोपी सर्वश्रेष्ठ है। कौन है वो? राधा, सर्व लक्ष्मी मई कांत। जब राधा जी को इच्छा हो गई तो राधा जी के रोम रोम में से गोपियां प्रकट हुई, जैसे भगवान कृष्ण के रोम रोम में से भगवान के सखा पैदा हो। भगवान को गायों को चराने के लिए जाना चाहते थे गोपाल, तो भगवान के रोम रोम में से सखा पैदा हो गए, वैसे राधा जी के रोम रोम में से गोपियां पैदा हो। फिर भगवान ने गोलोक के नीचे द्वारका बनाया, द्वारका के नीचे वैकुंठ बनाया, तो राधा जी के लेफ्ट साइड में से राइट साइड में से द्वारका की 16108 रानियां प्रकट हुई, उनके लेफ्ट साइड में से महालक्ष्मी जो वैकुंठ की नारायण की पत्नी है महालक्ष्मी, वो प्रकट हो गई। तो राधा जी ओरिजिनल लक्ष्मी है, सबसे पहले वही थी भगवान को आनंद देने के लिए, उसके पहले भी भगवान ही थे खाली, शक्ति और शक्तिमान। अभी ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट की लाइट दोनों में कोई अंतर है? ट्यूबलाइट होगा तो लाइट होगा, लाइट होगा तो मतलब ट्यूबलाइट। वैसे कृष्ण है शक्तिमान और राधा है शक्ति, दोनों एक हो जाते हैं तो उनका नाम होता है गौरांग, राधा कृष्ण। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों की कलयुग में आराधना करनी चाहिए। खाली शक्ति को लेंगे तो शक्तिमान नहीं रहेंगे, और खाली शक्तिमान को करेंगे और शक्ति को नहीं तो शक्तिमान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होगा। तो इसलिए ये सब वो सबसे अच्छा नाम है गौरांग, राधा कृष्ण दोनों का याद होता है इससे। और राधा के पास 25 गुण है, कृष्ण के पास 64 गुण है, तो गौरांग के नाम में 89 गुण है, टोटल 89 गुण आ जाते हैं। फिर देखते हैं गौरांग में कितने गुण आएंगे। हम आत्मा है, हम 48 गुण तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें गुण नहीं मिल सकते। फिर शंकर जी हमारे से ऊंचा है, वो 55 गुण उनको मिल सकता है, 55 गुण संपन्न हो सकते हैं अधिक मात्रा में। और शंकर जी से भी ऊपर है नारायण, नारायण को 60 गुण तक मिल सकते हैं। नारायण से ऊपर है कृष्ण, कृष्ण को 64 क्वालिटीज, 64 गुण संपन्न है। तो जिसका हम नाम लेते हैं वैसे गुण आ जाते हैं हमारे अपने आप। जैसे एक है ना, वो आप देखा होगा, वो सिल्क का कपड़ा बनता है, सिल्क वॉर्म, वो क्या पतंगा बन, हाँ वो बन जाता है, वो सोचता है, सोते सोते सोचता है, जैसे सोचता है वैसे बन जाता है। जिसको हम सोचेंगे, जिसके बारे में हम स्मरण करेंगे, ऑटोमेटिक वैसे गुण आ जाएंगे। एक लोहा है, उसको आग में डालेंगे तो लोहा आग बन जाता है, पूरा आग में बन जाता है। वैसे भगवान का नाम बार बार लेने से हमारे में भी सद्गुण आ जाते हैं, गौरांग गौरांग। हम भी एक्चुअली ऑलरेडी गोपाल गोपाल बोल के सबका पुण्य बहुत बढ़ गया है, इसलिए अभी गौरांग गौरांग बोलने का चांस मिल रहा है। एडवांसमेंट हो रहा है भक्ति में आगे। तो इसीलिए मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, आपको अभी मैं महसूस नहीं हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको पता चलेगा कि भगवान का नाम जो आपने अनजाने में भी लिया है उसका क्या फायदा हुआ है आपके आत्मा को। अभी हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब आत्मा हमारा दूसरे शरीर में जाएगा मृत्यु के समय में, तब ये सब गिना जाएगा हमारे रजिस्टर में, आपने कितनी बार भगवान का नाम लिया था सब। Krishna is the avatar of Vishnu. Krishna was there before. Actually क्या होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को महाराष्ट्र में आना है
तो प्राइम मिनिस्टर पहले चीफ मिनिस्टर को फोन करता है कि मैं महाराष्ट्र में आने वाला हूँ, मेरा अनाउंसमेंट करो कि मैं आ रहा हूँ, मेरा स्वागत करो। तो प्राइम मिनिस्टर अगर महाराष्ट्र में आता है लेकिन चीफ मिनिस्टर के माध्यम से आता है, वैसे जब ब्रह्मा जी क्षीर सागर के समुद्र के तट पे गए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु को कहा, हे विष्णु आप अवतार लीजिए। तो भगवान कृष्ण ने गोलोक से कहा विष्णु को, विष्णु चीफ मिनिस्टर है और भगवान कृष्ण प्राइम मिनिस्टर। तो भगवान कृष्ण ने विष्णु को कहा मैं आ रहा हूँ लेकिन तुम्हारे माध्यम से आऊंगा, मैं डायरेक्ट नहीं आऊंगा, तुम ब्रह्मा को कह दो कि आ रहा हूं। तो विष्णु ने बोल दिया ब्रह्मा को अवतार होने वाला है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि विष्णु ने ऐसा बोल दिया इसलिए कृष्ण वो विष्णु के अवतार, लेकिन एक्चुअली वो तो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने स्वागत किया प्राइम मिनिस्टर का कृष्ण का। और प्राइम मिनिस्टर है खाली 864 करोड़ साल में एक ही बार आते हैं। चीफ मिनिस्टर तो मतलब भगवान के बाकी अवतार बार बार आते हैं लेकिन कृष्ण और गौरांग दोनों 864 करोड़ साल में एक ही बार आते हैं, क्योंकि वो बिजी रहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मतलब और बिजी रहते हैं, वो बार बार नहीं आते। वैसे भगवान का लीला एक ही बार होता है एक कल्प में, और हम इतने भाग्यवान हैं अभी 5236वां साल चल रहा है भगवान कृष्ण के आए में, और गौरंग के आने से 1486 522 में शायद चल रहे गौरंग और कृष्ण का। तो इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें भगवान का नाम स्मृति में है, इतना कम समय पहले ही भगवान का लीला हुआ है, इसलिए हम भगवान का नाम रख सकते हैं, भगवान का नाम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण की जो कलयुग में उपासना करता है गौरांग के स्वरूप में, वो निश्चित रूप से भगवान का गोलोक धाम को प्राप्त करता है। और एक बार हम गोलोक धाम में पहुंच जाएंगे फिर हमारे सब प्रॉब्लम का परमानेंट सलूशन मिल जाएगा। गोलोक धाम में ना जब चलते हैं ना, भगवान के भक्त तो चलते नहीं है, वो नाचते हैं, कथा गानम गमनम नाट्यम गमनम, चलते नहीं है, वो इतना आनंद होता है उनको हर क्षण कि वो नाचते हैं। कथा गानम जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है वो गा रहे हैं, संगीत में बोल रहे हैं, कथा गानम नाट्यम गमनम अपीयम। और भगवान के धाम में भगवान की वंशी की आवाज 24 घंटे सुनाई देती है, सबको आकर्षण करते है। और जो गायें होती है वहाँ वो तो उनके स्तनों से इतना दूध बहता है कि वो दूध का सागर हो जाता है, शीरावती सुरभि पे सुरभि गाय पूरा दूध का समुद्र हो जाता है। वहाँ सूरज और चंद्रमा नहीं होता है, वहाँ सब चिन्मय है, एक एक कण का अपने आप उसका प्रकाश होता है, उसमें सब लाइट सब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, हर एक कण में चिन्मय ज्योति होती है क्योंकि वो चेतनामय होता है। अभी भगवान गायों को चराने जाते हैं लेकिन वृंदावन का एक एक घास भी जानता है कि भगवान कहाँ गए, वो घास में भी घास के एक तिनके में भी चेतना होती है गोलोक में। हर एक जीव भगवान का भक्त होता है, भले वो घास हो या गाय हो या हिरण हो या पोपट हो या बंदर हो या सखा हो या मित्र हो या माता पिता हो या प्रेमिका हो गोपिया जैसे, सबको भगवान की लीलाओं का ज्ञान रहता है, जानते हर क्षण भगवान क्या कर रहे हैं। और वहां कभी बुढ़ापा नहीं आता है, कभी बीमारी नहीं आता है, वहां कोई डॉक्टर नहीं होता भगवान के धाम में, कोई बीमारी नहीं होती, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, सब वहां भूतकाल भी नहीं होता है, भविष्य काल भी नहीं होता है भगवान के धाम में, सब वर्तमान में चलता है आनंदमय। ऐसा जीवन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, जन्म नहीं, और जो भी हम खाते हैं सब लड्डू भी वहाँ का अध्याय चिन्मय होता है, चिन्मय शरीर में चिन्मय लड्डू जाता है तो सब चिन्मय हो जाता है
वहाँ टॉयलेट बाथरूम नहीं होते वो लोग, क्योंकि वहाँ कुछ बाहर निकालना ही नहीं पड़ता। लड्डू भी चिन्मय है, हमारा शरीर भी चिन्मय होता है। तो ऐसा जगह में कौन नहीं जाना चाहता, सब जाना चाहेंगे, लेकिन ज्ञान नहीं है वो। तो बहुत आसान है, वो मनुष्य शरीर से डायरेक्ट हम जा सकते, एक्चुअली डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसके बाद अगर हमें और एक जन्म लेना पड़ेगा, पहले इस संसार में जो भगवान आते हैं लीला, उसमें हमारा ट्रेनिंग, भगवान की लीला में जन्म होगा, फिर भगवान हमें ट्रेनिंग देंगे, फिर भगवान के साथ हम गोलोक में जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाना। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे संतानों का नाम, अगर आपके संतानों का नाम दूसरा कुछ है तो भी चलेगा, आप उसका पेट नेम तो दूसरा रख सकते, भगवान का नाम रख सकते, पेट नेम मतलब दूसरा नाम जो होता है सेकेंड नेम, वो तो रख सकते हैं भगवान के नाम पे। तो 1 करोड़ 1 लाख एक हजार विष्णु सहस्त्र नाम बोलने से एक बार राम का नाम लेने का फल मिलता है, 3 बार राम 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 बोलने से 1 बार कृष्ण बोलने का फल, और 1 बार गौरांग बोलने से कृष्ण राम विष्णु 1000 विष्णु सब नाम का फल मिलता है। श्री कृष्ण चैतन्य नाम ना ये सर्व नाम फलम लभेत, ब्रह्म रहस्य में बताया है कि गौरांग बोलने से भगवान के सब अवतारों के नाम लेने का फल मिलता है। सर्व नाम फलम लभेत हेलया सकृदुच्चार्य, अगर हंसी मजाक में भी आपने ले लिया भगवान का ये नाम तो भी आपके सब इच्छाओं की पूर्ति हो, अनजाने में भी ली है। इसलिए कई लोग आके उसको बोलेंगे गौरांग, उनको पता नहीं कौन गौरांग है क्या है, तो भी फायदा हो। जैसे आग में आप उंगली डालते हैं, आपको पता नहीं आग क्या है, उंगली डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएगी। आपको पता है या नहीं पता है, आग का काम ही है कि हमको वो जलाता है। उसी प्रकार भगवान का नाम का ही काम ही है कि वो सबको पवित्र करता है, हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति करता है, पता हो या नहीं पता हो। एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, वेदों में कहा है छल से कपट से या हंसी में मजाक में कूदते हुए सोते हुए कोई भी भगवान के नाम के कांटेक्ट में आइए बस, तो आप पवित्र हो जाएंगे। कोई भी तरीके से भगवान का नाम लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा है कि राधा अष्टमी के जन्म भगवान गौरांग कब आया, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के बीच में घर में आया, दोनों तिथियों के बीच में यहाँ आया है, मतलब राधा और कृष्ण गौरांग उनका नाम बराबर है उसके। तो इसलिए प्रार्थना करेंगे कि आपका परिवार सुखी हो और भगवान के नाम को सेंटर में रखा है। अभी तो आपके परिवार के साथ जो भी कांटेक्ट में आएंगे वो भगवान का नाम लेने से बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका नाम लेंगे तो भी बोलेंगे गोपाल और आपके बालक का नाम लेंगे तो भी बोलेंगे गौरांग, तो कोई बच ही नहीं पाएगा। भगवान के नाम की शक्ति से सबको मिलेगा भगवान का नाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे कई संसार के लोग नहीं समझेंगे इसको संस्कृत में, इसलिए वो रा के ऊपर डॉट लगाना पड़ेगा, आसान आता है थोड़ा समझ में। हाँ गोपाल जी का साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। आवाज बहुत क्लियर है। मंत्र है ना, मंत्र है गोर गोपाल मंत्र, ये मंत्र दो मंत्र गोर गोपाल मंत्र बोले, 4 अक्षर का मंत्र है ये, चतुरक्षर मंत्र ये भी ले लो गोपाल जी, आज ऊपर जाने तैयारी है। उन्होंने सुन भी लिया तो भी तो इसको इसमें क्लोज दिस चलेगा।
ना तो शाम को आज कल्याण में वापिस रखू काल मित्र भी मत हो शाम को रात में 10 बजे पूछे बहुत सब लोग आए थे जूम में नाम जी ले का नाम घर भी होता है कभी नित्यानंद बोल लो बानो को नित्यानंद बिना तो बड़े भाई को नाम है बलराम जी का अवतार तो वो नाम पहले नित्यानंद का नाम बलराम तो नित्यानंद गोराम बोलो का तो ज्यादा फल मिलो गाड़ी पर लगा दे गाड़ी में दियो ना महाराज जी मन लगा रखते हो पीछे दियो गाड़ी में भी लगा देते उसके बाद लंदन से भेजियो मैंने स्टिकर महाराज जी हाँ दूसरो एक स्टिकर है पीछे फोटो है ना दे देखी को लेके राम जी का के नहीं भीतर नित्यानंद गोरा की फोटो है ये पीछे दोगा आगे निगम बैठ हाँ पूरी पब्लिक पीछे ही ना पड़ेगी सबसे खुश तो कविता जी हैं अभी सब भूल गए उसकी क्या क्या इमोशन हो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आगे उनको हरी बोल तो गौरांग के घर में आने के बाद गजानन जी भी गौरांग का नाम दीक्षा लेने की उनकी इच्छा है पद्म पुराण में कहा है दीक्षा वामोरु सर्वम कृतम निरर्थकम कि ये जो संप्रदाय विहीनाते मंत्रस्तु निष्फला भगवान का नाम है मंत्र है वो गुरु परंपरा में आता है भगवान से नीचे तो दीक्षा के रूप में वो सब हमारे गुरु और जो आचार्य हैं उनकी कृपा हमें हमारा कृष्ण के साथ गौरांग के साथ कनेक्शन हो जाता है गुरु परंपरा के माध्यम से और एक्चुअली दीक्षा के बाद नया जन्म होता है हमारा पहला एक जन्म माँ के गर्भ से होता है और दीक्षा के बाद दूसरा सेकंड जन्म होता है उसको कहते हैं द्वितीय द्विज ब्राह्मण जो ब्राह्मण उपनयन करते हैं उसे द्विज संस्कार होता है दीक्षा के समय में तभी हमारे गुरु हमारे पिताजी और वेद हमारी माता बन जाते हैं दूसरे जन्म में आध्यात्मिक जन्म तो इस प्रकार से और नियम इसमें नियम तो है कि प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान का नाम लेना है कोई दिन भी मिस नहीं करना है जिसे हम सांस लेते हैं हर दिन में भोजन करते हैं वैसे हर दिन भगवान का नाम उसको एक हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बना देना है कि मेरे आत्मा के लिए वो जरूरी है इनको भाई जी आगे प्रचार भी करना हाँ पहले आचार फिर प्रचार आचरण और प्रचार दोनों साथ में जो अपने जीवन में भगवान का नाम को उतारता है वो दूसरों को बांट सकता है क्योंकि वो इस धन को जानता है कितना कीमती है ये धन कितने लोगों को हम संसार चक्र से फायदा बचा सकते हैं उनका फायदा करा सकते हैं तो इसीलिए रोज आप नियमित रूप से नाम लेंगे तो आपको नाम में रुचि आएगी और भगवान के नाम में रुचि आएगी तो फिर आपको बांटने की इच्छा हो हमको कोई वस्तु से फायदा हुआ है तो हम उसे देना चाहेंगे तो इसीलिए नाम में रुचि जीवे दया ये दोनों जरूरी है नाम में रुचि आ जाएगी फिर जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए उनको भी भगवान का नाम देना चाहिए तो
ये सबसे पहला नियम है कि भगवान का नाम रोज लेना नियमित रूप से, और दूसरा ये है कि आपके घर में तुलसी का क्यारा होना चाहिए, बहुत अच्छा पवित्र है कि तुलसी की रोज थोड़ा सा पानी डाल के बहुत ही। तीसरा है कि महीने में अगर दो बार आप एकादशी आता है उसमें अगर अन्न अनाज के सिवा और सब कुछ खा सकते हैं, दूध दही ये सब फल फ्रूट, क्योंकि एकादशी के दिन पूरे ब्रह्मांड का पाप अन्न में आ जाता है पद्म पुराण में, इसलिए वो दो दिन महीने में अगर आप अन्न से बच सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। और बस रोज गीता भागवत का थोड़ा पाठ करना चाहिए, क्योंकि रोज जो भगवान के बारे में सुनता नहीं है उसका आत्मा है वो थोड़ा भटक जाता है, अस्थिर हो जाता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं भगवान का नाम क्यों ले रहा हूँ, भगवान का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी तो हमें जानना चाहिए, वो है वो रोज भागवत सुनने से मिलता है। कृष्ण है वो श्याम है घनश्याम, लेकिन वो राधा के गौर वर्ण से आकर्षित हो जाते हैं भगवान, और राधा जी का जब भाव ले लेते हैं तो हर एक भाव का कलर होता है, तो राधा जी का भाव ले लेते हैं तो भगवान का कलर भी बदल जाता है, गोल्डन हो जाता है राधा का भाव, राधा के भाव में जो कृष्ण है उनका नाम है गौर, ऐसा बोल सकते हैं। गौर कलर है वो भाव का कलर है, राधा के भाव का, श्रृंगार के भाव का कलर ब्लू है श्याम, इसलिए भगवान घनश्याम के रूप में आए। अनुराग का कलर ऐसा है ऑरेंज, अनुराग, तो इस प्रकार से अलग अलग भाव उठते हैं उसका कलर होता है। हमको जब गुस्सा आता है ना तो हमारा कलर कौन सा हो जाता है, लाल कलर हो जाता है, जब गुस्सा आता है तो हमारा ये अंकल को दे, क्या नाम है इनका, नाम कृष्ण, क्या काव्या, कृष मतलब सबको आकर्षण करके आनंद देता उसको कृष्ण बोलिए, कृष्ण और भी अच्छा रहेगा, क्या नाम इसका, जानवी, वो बहुत अच्छा नाम है, दोनों परफेक्ट है, एक श्याम एक गौर। कृष्ण मतलब सब जीवों को आकर्षण करता है भगवान का, और जाह्नवी तो भगवान की पत्नी का नाम है, बलराम जी की पत्नी रेवती, उनका दूसरा नाम है जाह्नवी, और गंगा का भी नाम है जाह्नवी। क्यों बताएं गंगा का नाम जाह्नवी है, क्योंकि जब जनु मुनि भीष्म है ना, भीष्म देव जी के गुरु जी थे जनु मुनि, वो वहां नवद्वीप में बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे गौरांग के ऊपर, तो गंगा जी भागीरथ राजा है ना, गंगा जी को लाया था शंकर जी के पास से, गंगा सागर में ले जा रहा था कलकत्ता, वो आगे गंगा सागर 8 घंटे,
तो गंगा जी जा रही थी हिमालय से आके, तो रास्ते में नवद्वीप आया, तो जानो मुनि गंगा जी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई अपने प्रभु के धाम कि वो जानो मुनि के बिचारे बैठे थे उनके पूजा के जो बर्तन थे उसको सबको बहा के लेके गई गंगा जी। गंगा जी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये मुनि जी बैठे हैं, उनको जरा साइड से जाना चाहिए। गंगा जी एकदम भाव में आ गई थी। तो जब उनका सब कुछ उठा के जनु मुनि ने आंख खोला तो देखा कि मेरे पूजा का क्या गए, तो उनको इतना थोड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने गंगा को मुंह खोला और पी गए, पूरी गंगा को पी गए। और भागीरथ मुनि इतने आगे आगे गए, कहाँ है गंगा। फिर वापस आए, 7 दिन तक उन्होंने जनु मुनि का सेवा किया, बोला अभी गंगा को वापस दे दीजिए नहीं तो मेरे उद्धार। तो जनु मुनि के कान से वापस गंगा निकली, उस दिन से गंगा का नाम हो गया जाह्नवी। जनु मुनि की पुत्री उनके अंदर से निकली, उसका नाम हो गया जाह्नवी। चलो सब लोग एक एक करके चलो महाराज जी से आशीर्वाद लो, पैर छुओ। क्या नाम? यस यश यश यत्र योगेश्वरो यश निशि। भगवान की रात की लीला को निशांत लीला कहते हैं। ये काजल। अच्छा, अरे बहुत अच्छा। सब बाजू में रहते हैं? यहाँ बाजू के एक ही घर के हैं ये। ओके, 11वें माले में? हाँ, नहीं, इस पर 11वें माले में भी हमारे बाजू का जो घर है ना, वहीं के ही, ये जॉइंट फैमिली रहती है। बहुत अच्छा। सात बच्चे हैं। ओ, ओ, ओ। तो अभी कृष्णा आ जाएगा तो सेंटर में आ जाएगा। उनका नाम कृष्णा रखोगे तो सबका फायदा होगा। हॉर्लिक्स से अच्छा कॉम्प्लान है, कॉम्प्लान देंगे। हाँ, तो वो तो इन्होंने मुझे बताया। हाँ, भाषण तो कह रहा है, ये भी वही लेते हैं, पहले दूसरा लेते थे लेकिन अब तो कॉम्प्लान के साथ ही है। हाँ जी, उसे बस कॉम्प्लान किया बच्चों के लिए। अच्छा, हाँ जी, का पलाव देना होगा। और क्या पूछना सवाल? अब जल्दी आ रहा है, साल में एक दो दिन आ जा। ये बोला एक बात है, नवदीप धाम चलो अभी ना, एक बात लाइफ में जाना चाहिए मुझे नवदीप। अभी तक गोपाल जी आए नहीं है, अच्छा चांस है आपके, आप भी आ जाइए साथ। नवदीप धाम है बेटे, कलकत्ता का पास। अभी गौरांग का यहाँ आ गया है तो उसके जन्म स्थान में भी जाना चाहिए। जगह गौरांग आप लोगों को जन्म है गौरांग नवदीप धाम तो गंगा सागर के नजदीक। हाँ, बाजू में ही है, गंगा सागर का भी दर्शन कर। वो कलकत्ता आना आके वापस 8 घंटे नीचे जाना पड़ेगा, साउथ बंगाल में। बटे से जगन्नाथ पुरी का दर्शन। अच्छा, गोवर्धन मठ है। अभी आगे तो गजानन जी, आपको तुलसी का बड़ा माला चाहिए, छोटा माला नहीं? हाँ, जो आप ये आप जाप करने में इजी होना चाहिए माला जी स्टार्टिंग। हाँ, तो कौन सा, ये बड़ा है बहुत, छोटा छोटा सा खर्चा देगा ये। ये ओरिजिनल है वृंदावन से। ये माला को ना आपको जाप से चली आती है ना, वृंदावन से उसका विधि है जाप का। ये उंगली जो है ना, पहले माला दिया है आपको? नहीं नहीं दिया। ये जो उंगली है ना, ये
के बाहर ले लीजिए। वो मैंने पहली बार बताया था ना, ध्यान देना। ये तीन उंगलियां ऐसे बंद रहनी चाहिए और ये सेंटर में आना चाहिए और ये बड़े साइड, ये माला में एक साइड बड़े मणि होते हैं, एक साइड छोटे मणि होते हैं, वो बड़े मणि से शुरू करना है। उसको घुमाना है, मतलब उसको क्रॉस नहीं करना। नहीं नहीं, ये जब लास्ट मणि आएगा ना तो उसको क्रॉस मत करना। ये कृष्ण है, आप इसको क्रॉस कर लेंगे तो आपका माला एंड नहीं होगा, उधर ही कंटिन्यू होते है। तो इसलिए इसको करके ऐसे काउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि रोड डिसिप्लिन रहे कि मैं इतना करता हूँ भगवान को। 108 जैसे हमारे पास करोड़ों रुपया है लेकिन हम अगर काउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या उसका वैल्यू कितना है हमको पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से भगवान का नाम रोज कितना लेंगे वो पता चलने के लिए काउंटिंग का भी आपके भाजी है तो हाँ खुद। तो ये पहले है ना, नित्यानंद 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 ऐसे करके यहाँ आएंगे फिर घूम जाने का नित्यानंद। छोटे से बड़े कर हाँ शुरू कभी भी आप बड़े से हाँ कभी आप 10-20 मिनट माला अंदर रख भाजी आई मैं जाप करता हूँ ना नित्यानंद गोदांग नित्यानंद गोदांग गौरांग गौरांग फिर हरे कृष्ण एक मणि के ऊपर एक बार महामंत्र बोल के माजी कई बार हो जाता है कि थोड़ा फास्ट हो जाता है हाँ। कोई मणि बीच में मिस हो जाता है पता नहीं चलता लेकिन तो आप एंड तक आएंगे ना हाँ। तो और चार पांच तो एक्स्ट्रा और बोल लेने का कि आपका तो गैप जो है वो भूल जाएगा बीच में आप मिस किए कर लिए हैं तो एंड में आने के लिए माजी डूरिंग ट्रैवलिंग तुलसी के ऊपर माला करने का तो फल सेम नहीं मिलेगा लेकिन भगवान का नाम जो है वो तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तुलसी के ऊपर करो या काउंटर के करो या बिना काउंटर के करो वो नाम का फल तो फूल पूरा मिलेगा। खाली क्या होता है कि तुलसी का स्पर्श करने से हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती शुद्ध हो जाती जो है वो पवित्र बन जाती है हमारे स्पर्श के जो इंद्रियां हैं। अजय दैट बुक को यू सेड मैन चैतन्य महात्मा बुक हां बुक इज अवेलेबल एट दैट ओ बढ़िया मत वो आई रहा मैं लाया था मैंने गुजरात से दे दिया है। अच्छा मैं उनसे मैं सोचा आपको मिल गया है नहीं मिला मेरे को बहुत नेक्स्ट टाइम आई नहीं मैं आपको बताया ये बैग है मैं आपको बैग भी दे देता हूँ आपको यही माला दे देता हूँ अच्छा है माता जी भी आपके साथ में करेंगी ना कभी आप दोनों पति पत्नी साथ में भक्ति करेंगे तो आसान हो जाता है। ये उंगली ऐसे बाहर क्योंकि ये उंगली है ना ये अहंकार हम नॉर्मली दूसरे की गलती ढूंढते हैं इससे इसलिए भगवान का नाम लेने के टाइम अहंकार को बाहर रख देना चाहिए। ये उंगली बाहर रख माजी भगवान का नाम लेने के टाइम पे मुंह में पान मसाला या गुटखा वो खाने के बाद ले सकते हैं भगवान का नाम नहीं ले सकते ना अभी नहीं ऐसा कुछ भगवान का नाम में ना गोपाल जी कोई नियम और वो नहीं है नहीं। लेकिन जब हम माला के ऊपर करने को बैठे होना चाहिए तब तो मुंह शुद्ध शरीर शुद्ध होना चाहिए लेकिन ना माला के बिना आप किधर जा रहे हैं चल रहे हैं आप कैसा भी मुंह हो कैसा भी हो ले सकते लेकिन तुलसी माला तो ड्रॉप इज हैबिट ऑफ चूइंग दैट इज व्हाई आई
आपको मैं उदाहरण देता हूँ, अभी थाना में ही आए उनको पूरा ऐसे थ्रोट का कैंसर हो गया, उससे टंग का कैंसर, इतना उनको पीड़ा हो रहा है उससे, वो उसको खाने से अच्छा नहीं लगता। अभी आपको क्या है, दूर का आगे मानना पड़ेगा। वो आगे के रूप में नहीं बोलते, लेकिन आगे के रूप से उसको लेना पड़ेगा। हाँ नहीं तो हाँ। तो हमारी भलाई है ना, उसको छोड़ने में तो क्या हमारा नुकसान नहीं है, भलाई हम ही ज्यादा शांत जिएंगे। आपको ऐसा है अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये मिल गया तो आपका सब जो इंद्रिया को जो जो चाहिए ना वो सब इससे मिल जाएगा, तो किसी नशे की या किसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये गिनती की माला है, बाहर लगा देता हूँ। अरे वो फोटो ले जा, इसको अपने ऐसे हाथ में पकड़ ले, तो क्या है कभी गिर गया तो नीचे नहीं गिरा। और ये जो है ना इससे पकड़, इसमें क्या करते हैं ये सब ऊपर कर देते हैं, फिर आपका एक माला होगा। तो आपको दिन में क्या है, अगर सुबह थोड़ा माला करना है शाम को तो आपको याद रहेगा कि कितना किया है ना। वो गजानन जी को आचमन चश्मा आपका निकाल दीजिए। थोड़ा हाथ में लेके इसे हाथ में आप पी जाइए। ओम गोविंदाय नमः बोल के मन में, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। ले ले फोटो ले ले ऐसा। दे मेरे को, दे मेरे को जैसे ले ले कौन से। मैं मंत्र बोलता हूँ मेरे पीछे तीन बार। नॉर्मली गुरु है वो शिष्य के दाहिने कान से मंत्र दिया जाता है, इसलिए हम जब टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं तो हमारी जनोई को दाहिने कान में लगाते हैं, क्योंकि वो दाहिना कान दीक्षा का मंत्र सुन के पवित्र हो जाता है, तो जब जनोई लगाते हैं तो जनोई पवित्र रह जाती है। बोलता हूँ नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद, ये बलराम जी का मंत्र है। अभी ये गौर गोपाल मंत्र मैं तीन बार बोलूंगा। गौरांग गौरांग गौरांग, और महामंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। महामंत्र में दीक्षा वो प्रतिदिन 16 माला करने की समय में तो दूसरा स्टेप है, पहले आप नित्यानंद गौरांग और महामंत्र कृष्ण आप शुरू कर लीजिए। आगे रोज कम से कम 10 माला नित्यानंद का, 10 माला गौरांग का और 1 माला फिर आपका योग्यता के अनुसार 10-10, 4-10-8, 16-16 महामंत्र स्टिकर छमाना है और तीनों मंत्र के साथ 2 मंत्र है नित्यानंद। ये माला के ऊपर मैंने जब भी किया है इसका मंत्र का शक्ति है। ये महास्तोत्र है इसका पाठ, इसमें ना लास्ट की महिमा है, चार्ट दिया हुआ है कितना माला चार्ट है लास्ट में, ये लास्ट पेज है ना इसमें चार्ट है कितने कितने माला है। लेकिन
स्पीकर आ रहा है वो और ऐसे माला कीजिए कि नेक्स्ट टाइम पूरा फैमिली भक्ति में बहुत स्पेशल माला है। हाँ